संजय राउत के घर के बाहर लगे बैनर, बैनर पर लिखा है, तेरा घमंड तो चार दिन का है पगले, हमारी बादशाही तो खानदानी है, जय महाराष्ट्र। ये बैनर सामने लगाया गया है शिवसेना नेता संजय राउत के घर के बाहर। दीपमाला बढ़े नगर सेविका है, प्रभाग समिति अध्यक्ष, इन्होंने बैनर लगाया है संजय राउत के घर के सामने। लिखा है, तेरा घमंड तो चार दिन का है पगले, हमारी बादशाही तो खानदानी है, जय महाराष्ट्र। इस तरीके के पोस्टरबाजी अब शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र में। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने सीएम उद्धव ठाकरे को भेजे गए शांति दूत मिलिंद नार्वेकर और अरविंद फाटक को जो शर्तें बताई हैं, इससे पहले पहली शर्त एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ना है, और दूसरी शर्त उन्होंने रखी है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाना है। महाराष्ट्र की राजनीति में आया सियासी तूफान उद्धव ठाकरे के लिए खतरा बनता जा रहा है। इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे के पास उद्धव ठाकरे से ज्यादा शिवसेना के विधायक हैं? क्या उन्हें शिवसेना से हटाने का अधिकार अब उद्धव ठाकरे के पास है भी? हालांकि शिवसेना के पास 56 विधायक हैं, उसमें से करीब 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आज बुधवार सुबह सभी बागी विधायक सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए हैं। इन सभी विधायकों को विशेष विमान से गुवाहाटी ले जाया गया है। गुवाहाटी के जिस होटल में ये सभी विधायक ठहरे हैं, वहाँ हाई लेवल सिक्योरिटी लगाई गई है। असम में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा केंद्रीय नेतृत्व के करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं। ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि विधानसभा में शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। तो उद्धव सरकार पर बड़ा खतरा। आपको बता दें, गणित क्या है, चलिए देखते हैं। फिलहाल महाविकास अघाड़ी सरकार के पास शिवसेना के 15, एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44, अन्य 16, ऐसे कुल 128 विधायक ही बचे हैं। यानी उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में आ सकती है। वहीं विरोधी बीजेपी के पास 106 है, एकनाथ शिंदे गुट के पास 41 और अन्य 13 मिलाकर अब कुल 160 विधायक बीजेपी प्लस के पास हो जाएंगे। यानी एकनाथ शिंदे अपने गुट का समर्थन देते हैं तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो आगे क्या होने वाला है, क्या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? दरअसल एकनाथ शिंदे ने सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से भेजे गए शांति दूत मिलिंद नार्वेकर और अरविंद फाटक को जो शर्तें बताई हैं, इसमें एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ना है, ये सबसे पहली उनकी शर्त है। दूसरी शर्त है बीजेपी के साथ सरकार बनाना। लेकिन उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे की कोई शर्त अभी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर शिंदे ने शिवसेना में वापसी नहीं की तो उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट गहरा जाएगा और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है।